मॉर्निंग टू एवरी वन। वार्म वेलकम टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स इन दिस फोर्थ सेशन ऑफ दिस ऑनलाइन वर्कशॉप नेट सेट वर्कशॉप पेपर फर्स्ट। टुडे वी हैव द सेशन ऑन टीचिंग एप्टीट्यूड एंड वी हैव द स्पीकर टू टॉक ऑन दिस प्रोफेसर रूबीना मैम। आई वुड लाइक टू गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ हर इन फ्रंट ऑफ यू। Professor Rubina has completed her bachelor's from JIT College. She has completed her master's in English from MSG College, Malegaon camp. Afterwards, she has qualified SET examination. She is also pursuing her PhD from Marathwada University. So, I welcome all the participants in today's session. And now I request Professor Rubina ma'am to start her lecture. Thank you. Over to you, ma'am. Thank you, sir. I'm Rubina Abdul Sattar, Assistant Professor in English from MGV's Arts, Commerce and Science College, Malegaon City. I welcome you all. I welcome you all in my session, that is teaching aptitude, and I welcome you all in also our golden jubilee year, that is our college completed 50 years. So I welcome you all in our golden jubilee year. So my topic is teaching aptitude. तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड इन नेट सेट एग्जाम। के टीचिंग एप्टीट्यूड की इम्पोर्टेंस क्या है नेट सेट एग्जाम में, क्यों उसको इतनी इम्पोर्टेंस दी गई है। इन फ्यूचर इफ यू वॉन्ट टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर और टीचर इन एनी कॉलेज इन यूनिवर्सिटी, देन यू हैव टू सम क्वालिटीज, बेसिक क्वालिटीज ऑफ अ टीचर। सो इसी क्वालिटीज को चेक करने के लिए नेट सेट एग्जाम ने नेट सेट के लिए इस यूनिट को रखा गया है। ये यूनिट जो है पेपर फर्स्ट में पहला ही यूनिट रहता है टीचिंग एप्टीट्यूड। ये दो टर्म मिलकर बनी है टीचिंग एंड एप्टीट्यूड। तो इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग एप्टीट्यूड। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड जो है उस एग्जाम को एलिजिबल करार दिया गया है फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और ये आपको नेट से ये पीएचडी एग्जाम के लिए भी एग्जेम्पशन देता है। इफ यू आर क्वालिफाई इन नेट सेट देन यू आर एलिजिबल फॉर द पीएचडी आल्सो। सो यहाँ पे कुछ क्वालिटीज को चेक करता है ये पेपर, दैट इज के हाउ अ टीचर शुड रिएक्ट और बिहेव इन अ क्लासरूम सेटिंग। के एक टीचर जो है वो क्लासरूम में उसकी जो बिहेवियर है, उसका जो एटीट्यूड रहेगा या जो वो वहाँ पे परफॉर्मेंस देगा उसकी कैसी होनी चाहिए, वो वहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस अच्छे से दे रहा है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल के एक टीचर है जो बहुत नॉलेजेबल है बट वो वहाँ पे जाके अच्छी से अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, तो वो उसकी जो नॉलेज है वो कोई काम की नहीं रहेगी। लेकिन उसके कंपैरिजन में एक लेस नॉलेजेबल पर्सन है और वो वहाँ क्लासरूम में जाकर अपनी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी तरीके से देता है, वो बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से उसको अपने जो टॉपिक है उसको समझाने की कोशिश करता है, तो वो एक बेस्ट टीचर माना जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर कुछ क्वालिटीज होती हैं, एक्सपेक्टेड क्वालिटीज होती हैं टीचर की, और यहाँ पे इंटरेक्शन देखा जाता है स्टूडेंट और टीचर का जो इंटरेक्शन होता है इन द क्लासरूम, के क्लासरूम का जो आउटकम आना चाहिए तो वो बेस्ट आउटकम आने के लिए टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन देखा जाता है, उनका कम्युनिकेशन देखा जाता है। टीचिंग में कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि टीचिंग जो है वो एक प्लान एंड कोऑर्डिनेटेड एक्ट ऑफ शेयरिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। के टीचिंग को क्या बोल रहे हैं कि प्लान्ड होता है, पहले से ये प्री प्लान्ड रहता है टीचिंग। एक टीचर जो है वो अपने जो जो कुछ भी उसको क्लासरूम में एक्टिविटीज करनी रहती है वो उसको प्लान करके जाता है क्लासरूम में, एंड कोऑर्डिनेटेड एक्ट ऑफ शेयरिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। जो टीचर होता है उसके जो भी नॉलेज और एक्सपीरियंस रहती है तो वो उसको
अपने टीचर और स्टूडेंट के कोऑर्डिनेशन से वो उसको अपनी नॉलेज को अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता है. बेसिकली द प्राइम रोल ऑफ अ टीचर इज टू इम्पार्ट इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स टू स्टूडेंट्स. मींस यहाँ पे जो बेसिक रोल होता है, प्राइमरी रोल होता है, जो इम्पोर्टेंट रोल होता है टीचर का, वो क्या होता है? टू इम्पार्ट इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स टू स्टूडेंट्स. के जो उसकी इंफॉर्मेशन है टीचर की, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो भी उसके पर्टिकुलर टॉपिक पर जो भी उसको नॉलेज है, उसकी जो स्किल्स है, वो अपने स्टूडेंट्स को, अपने लर्नर को इम्पार्ट कर सके. एप्टीट्यूड मीन्स टू डेवलप एन एबिलिटी और स्किल्स टू डू समथिंग. यहाँ पे टीचिंग की हमने ये देख लिया कि ये कम्युनिकेशन होता है, इसमें कोऑर्डिनेशन होता है और शेयरिंग नॉलेज होती है, एक्सपीरियंसेस होते हैं. उसी के दूसरी जो टर्म है हमारे पास एप्टीट्यूड, तो उसका मतलब है कि डेवलप एन एबिलिटी और स्किल टू डू समथिंग. के जो हमारे अंदर एबिलिटीज होती हैं, जो स्किल होती है, तो उसको डेवलप करने के क्या कहते हैं? एप्टीट्यूड कहते हैं. तो सिंपली वी कैन से टीचिंग एप्टीट्यूड एज द डेवलपमेंट ऑफ रिक्वायर्ड एबिलिटी एंड स्किल सेट्स विच आर इसेंशियल टू बी अ गुड टीचर. गुड टीचर होने के लिए हमारे पास जो रिक्वायर्ड एबिलिटीज होती हैं, जो स्किल होनी चाहिए, उसी को टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं. तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट वेज हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग से हम लोग समझ सकते हैं कि टीचिंग जो है वो क्या होती है. तो यहाँ पे दो टर्म्स दी हुई है कि इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड होता है टीचिंग. एक क्या होता है? इंस्ट्रक्टर सेंटर होता है और लर्नर सेंटर्ड होता है. मीन्स यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट्स, टीचर और लर्नर दोनों यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. अगर टीचर रहेगा तो ही टीचिंग होगी, लर्नर रहेंगे तो ही लर्निंग होगी. दोनों में से एक भी कोई मिसिंग रहेगा तो वहाँ पे टीचिंग नहीं होगी, ना ही लर्निंग होगी. इसलिए दोनों इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं टीचिंग और लर्निंग में. जितना इम्पोर्टेंट टीचर का रोल होता है, उतना ही इम्पोर्टेंट लर्निंग का भी, लर्नर्स का भी रोल होता है. तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस हैं. अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, इम्पार्ट ऑफ नॉलेज और स्किल, गिव इंस्ट्रक्शंस और लेसन, इंस्टिल एंड इंस्पायर विद. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ये एक डेफिनेशन है कि इम्पार्ट करना नॉलेज और स्किल का, जो हमारी नॉलेज और स्किल्स होती हैं, उसको इम्पार्ट करने को क्या कहते हैं? टीचिंग कहते हैं. और इंस्पायर करना लर्नर को अपनी नॉलेज से, अपनी इंस्ट्रक्शन से, अपनी स्किल्स से उनको इंस्पायर करना. और आगे एक डेफिनेशन और दे रहा है कि गेज डिफाइंड टीचिंग एज अ प्रोसेस ऑफ रिलेशनशिप विच शुड बी डील्ड विथ कोऑपरेशन. यहाँ पे कोऑपरेशन होना चाहिए टीचिंग और लर्निंग में. कोऑपरेशन इज मोस्ट, कोऑपरेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल. अगर कोऑपरेशन रहेगा तो ही टीचिंग इफेक्टिव मैनर में होगी. कोऑपरेशन नहीं रहेगा तो टीचिंग नहीं हो पाएगी और ना ही लर्निंग हो पाएगी. सो यहाँ पर दो डेफिनेशन है, एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने डिफाइन किया और एक गेज ने डिफाइन किया है. ओके, नेक्स्ट वी विल सी नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग. यहाँ पर कुछ हमारे पास उसके टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर्स हैं. तो वन बाय वन वी विल सी. फर्स्ट वन इज प्रोवाइड गाइडेंस एंड ट्रेनिंग. तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है टीचिंग का, वो क्या है कि प्रोवाइड गाइडेंस एंड टीचिंग. यहाँ पे गाइडेंस होती है और ट्रेनिंग होती है, किसमें? टीचिंग में. और सेकेंड वन इज इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स. यहाँ पर इंटरेक्शन होता है. मैंने पहले ही कहा था कि टीचिंग में कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो यहाँ पर इंटरेक्शन होता है बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स, स्टूडेंट के बीच में और टीचर के बीच में इंटरेक्शन होता है. टीचिंग इज एन आर्ट टू गिव नॉलेज टू स्टूडेंट्स विद इफेक्टिव वे. टीचिंग एक कैरेक्टरिस्टिक उसकी ये भी है कि इसमें नॉलेज को दिया जाता है स्टूडेंट को इन अ इफेक्टिव मैनर, इफेक्टिव वे में. अपनी टीचर जो है अपनी स्किल्स को, अपनी नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को स्टूडेंट्स तक, लर्नर तक पहुंचाता है इन इफेक्टिव वे. टीचिंग इज अ साइंस टू एजुकेट फैक्ट एंड कॉजेज ऑफ डिफरेंट टॉपिक ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट. टीचिंग को और क्या बोल रहे हैं कि वो एक साइंस है जिसमें एजुकेट किया जाता है फैक्ट एंड कॉजेज का ऑफ डिफरेंट टॉपिक ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट. जो डिफरेंट टॉपिक और डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनके फैक्ट एंड कॉजेस को यहाँ पे डिफाइन किया जाता है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है कि अगर कोई चीज़ है तो वो क्यों है, अगर ये है तो उसका क्या मतलब हुआ, वो अगर है तो कैसे है, ये सारी चीज़ें इसमें दी जाती है. कॉज इसमें और फैक्ट को दिखाया जाता है. दैट इज़ व्हाई टीचिंग इज अ साइंस.
नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज इंकरेज स्टूडेंट्स टू लर्न मोर एंड मोर. टीचर का यहाँ पे रोल क्या होता है कि इंकरेज करना होता है स्टूडेंट्स को, लर्नर को, कि वो अपने जो लर्नर्स हैं उनको इंकरेज कर सके फॉर द स्टडी, फॉर द एडवांसमेंट, फॉर द डेवलपमेंट, मोर एंड मोर वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा आगे बढ़ें. प्रोवाइड फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल एजुकेशन. यहाँ पर टीचर जो है ना सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन देता है अपने लर्नर को बल्कि इनफॉर्मल एजुकेशन भी देता है. हम टीचर्स जो हैं वो हर तरीके की ग्रोथ करता है बच्चों की, इनफॉर्मल वे में भी एंड फॉर्मल वे में भी, है ना. नेक्स्ट, इन टीचिंग टीचर इम्पार्ट्स इंफॉर्मेशन इन इंटरेस्टिंग वे सो दैट लर्नर कैन इजिली अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन. टीचिंग में टीचर जो है अपनी इंफॉर्मेशन को इंटरेस्टिंग बनाता है, सम टीचिंग एड्स यूज करता है वो, और ऑन द बेसिस ऑफ टीचिंग एड्स वो अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाता है. हम लोग टीचिंग एड्स अभी आगे समझेंगे कि क्या क्या टीचिंग एड्स होते हैं और वो कैसे टीचर उन अपनी टीचिंग को उनके थ्रू इफेक्टिव बनाता है. तो यहाँ पर टीचर जो है अपनी जो नॉलेज होती है उनकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो लर्नर तक पहुँचाता है इंटरेस्टिंग वे में, ताकि बच्चे जो हैं जो लर्नर हैं उनको जो कॉन्सेप्ट दिए जा रहे हैं वो इजीली अंडरस्टैंड कर सके. नेक्स्ट वन इज टीचिंग इज अ टूल टू हेल्प स्टूडेंट्स टू एडजस्ट हिम सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट. टीचिंग एक क्या है, टूल है टू हेल्प स्टूडेंट्स टू एडजस्ट हिम इन सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट. क्या टीचिंग एक ऐसा टूल है जिसकी वजह से हम सोसाइटी में जो लर्नर होते हैं वो सोसाइटी में और उनके जो अराउंड में जो इन्वायरमेंट होता है वो उसमें एडजस्ट हो सके. टीचिंग उनको उसमें हेल्प करता है. तो यहाँ पर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक के बाद हम कुछ लेवल्स देखेंगे, लेवल्स ऑफ टीचिंग. कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को समझ में आ गया है, उसके ऊपर अगर कुछ पूछना हो तो यू कैन आस्क मी. एनीबडी वांट टू आस्क? ओके, लेवल्स ऑफ टीचिंग वी विल सी. तो यहाँ पर कुछ लेवल्स हैं, देयर आर 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल. इसके ऊपर 2020 में आप लोगों का एक क्वेश्चन आया था नेट के पेपर में कि हाउ मेनी लेवल्स ऑफ टीचिंग, बहुत ही इजी क्वेश्चन था. तो यहाँ पे वी कैन सिंपली से दैट देयर आर 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग, है ना. 2020 में आई थिंक नवंबर में इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, एम आई राइट? एनीबडी हैज सॉल्व द पेपर्स? No, ma'am. No? Okay. तो 2020 में आपका इसके ऊपर आई थिंक नवंबर में इसके ऊपर क्वेश्चन आया था कि हाउ मेनी लेवल्स ऑफ टीचिंग. तो उसका सिंपल आंसर था देयर आर 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग. फर्स्ट वन इज मेमोरी लेवल, सेकंड वन इज अंडरस्टैंडिंग लेवल, थर्ड वन इज रिफ्लेक्टिव लेवल. ओके ओके मैम, आगे देखते हैं हम लोग वन बाय वन वो जो लेवल्स हैं उनको मैं डिफाइन करती हूँ. मेमोरी लेवल में क्या होता है, मेमोरी लेवल को हर्बर्ट ने दिया है, ये एक नेम याद रखो आप लोग, हो सकता है क्वेश्चन इसके ऊपर बन जाए. मेमोरी लेवल को हर्बर्ट ने दिया है. टीचर टीचेस टू मग अप. इसमें क्या होता है, जो मेन रोल होता है वो टीचर का होता है और इसको हम टीचर सेंटर्ड लेवल भी कह सकते हैं. वी कैन से टीचर लेवल सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड लेवल वी कैन से. अभी हम लोग ये भी देखेंगे टीचर सेंटर्ड लेवल एंड लर्नर सेंटर्ड लेवल क्या होते हैं, तो आगे हम इस टर्म को भी डिफाइन करेंगे. तो इसमें इस मेमोरी लेवल में टीचर जो है सिंपली जो बच्चों को लर्नर्स को मगअप करवाता है. जैसे हम छोटे बच्चों को पोएट्री वगैरह पढ़ाते हैं ना, उनको एक एक लेवल में पढ़ाते हैं और वो उसको वैसे ही मगअप कर लेते हैं. वट एवर टीचर से बच्चे उसको उनके साथ साथ वो दोहराते हैं, तो उसको वो सिर्फ मगअप करवाता है. इस लेवल पर टीचर का क्या वर्क रहता है कि वो उसको बच्चे को उस लर्नर को सिंपली मगअप करवा देता है. और लोवेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग इसको बोलते हैं. मेमोरी लेवल में क्या है कि ये लोवेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है, टीचिंग लेवल, टीचिंग का ये लोवेस्ट लेवल है, सबसे छोटा लेवल है, क्योंकि इसमें सिर्फ मगअप होता है और बाकी कोई चीजें नहीं होती है. मेन रोल ऑफ टीचर, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड टीचर सेंटर्ड लेवल. इसमें जो मेन रोल होता है वो किसका होता है, टीचर का होता है. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड टीचर सेंटर्ड लेवल. वट एवर टीचर टीचेस लर्नर लर्न्स एज इट इज व्हेन एवर ही नीड्स रिप्रोड्यूस. इसमें क्या होता है कि जो टीचर बच्चों को जैसे लर्नर को जैसे वो पढ़ाता है बच्चे उसको
वैसे ही लर्न कर लेते हैं, जब उनको उसकी जरूरत होती है वो वैसे ही उसको रिप्रोड्यूस करते हैं। बहुत बार आप लोगों ने बच्चों को प्रोनाउंस करते हुए सुना होगा, वो अनियन को ओनियन पढ़ते हैं, एम आई राइट? यू हर्ड दिस? यस मैम। या उनको बच्चे जो है वैसे ही, सॉरी टीचर जो है उनको जो उनका बेसिक लेवल होता है उस लेवल पर ही उनको रॉन्ग प्रोनाउंस करवाते हैं, उनको ओनियन पढ़ाते हैं तो वो वैसे ही पढ़ लेते हैं। और जब हम जब बड़े होते हैं जब उसका सही प्रोनाउंसिएशन पता चलता है देन वी लर्न दैट ये है उसका प्रोनाउंसिएशन। ओके, तो यहाँ पे टीचर जो है जैसे बच्चों को मगअप करवाता है बच्चे उसको वैसे ही पढ़ लेते हैं, जब उनको जरूरत होती है वो वैसे ही उसको रिप्रोड्यूस करते हैं। लर्नर सिक्वेंशियली लर्न, यहाँ पे क्या करता है लर्नर सिक्वेंशियली लर्न करता है, ये टर्म भी सिक्वेंशियली भी आप लोग याद रखो क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन में भी बन सकता है कि कौन से लेवल में लर्नर जो है सिक्वेंशियली लर्न करता है चीजों को। तो मेमोरी लेवल में जो लोएस्ट लेवल होता है टीचिंग का उसमें लर्नर सिक्वेंशियली लर्न करता है चीजों को, एक सिक्वेंस में पढ़ता है, जैसे वो उसको पढ़ाया जाता है वो वैसे ही पढ़ लेता है। मेमोरी लेवल का मेन एम जो होता है वो मेन एम टू डेवलप लर्नर्स मेंटल एबिलिटी, इसमें मेंटल एबिलिटी को सिर्फ डेवलप करना होता है, बाकी और दूसरी चीजें इसमें नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट वन इज अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल जो सेकंड लेवल है उसको मॉरिसन ने दिया है, ये नेम भी आप लोग याद रखो, मॉरिसन ने इसको दिया है। ये सब्जेक्ट सेंटर्ड लेवल ऑफ टीचिंग एंड टीचर सेंटर्ड लेवल है, इसमें सब्जेक्ट्स भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और टीचर भी। इसलिए अगर क्वेश्चन इस टाइप का आए कि कौन से लेवल में सब्जेक्ट टीचर सेंटर्ड होता है तो सब्जेक्ट और टीचर दोनों ही इस लेवल में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, तो अगर क्वेश्चन इस टाइप का आए कि सब्जेक्ट टीचर सेंटर्ड रोल किस में होता है तो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है। ओके, तो यहाँ पे सब्जेक्ट सेंटर्ड लेवल ऑफ टीचिंग एंड टीचर सेंटर्ड, यहाँ पे सब्जेक्ट भी जो टॉपिक जो टीचर पढ़ा रहा है वो भी इम्पोर्टेंट होता है, टीचर भी, क्योंकि टीचर ही उसको टीच करेगा ना और लर्नर उसको लर्न करेगा, इसीलिए यहाँ पे सब्जेक्ट भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और टीचर भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे मेंटल एबिलिटी एज वेल एज क्लैरिफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट होते हैं। मेंटल एबिलिटी, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल में मेंटल एबिलिटी तो होती ही है, जैसे कि हमारा दूसरा ये पहला लेवल था मेमोरी लेवल, इसमें सिर्फ मेंटल एबिलिटी का डेवलपमेंट होता था, यहाँ पे मेंटल एबिलिटी तो डेवलप होती ही है बट यहाँ पे हमारे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो लर्नर के कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो भी क्लैरिफाई होते हैं, उनको उसका मतलब समझता है कि हाँ ये चीज़ है तो क्यों है, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ये क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे उसकी डेवलप होती है, क्लैरिफाई होते हैं उसके सारे कॉन्सेप्ट्स। और वो टीचर पर क्रिटिसाइज करता है, क्रिटिसाइज करना सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ बैड थिंग्स बोलना, क्रिटिसाइज करना मीन्स यहाँ पे वो टीचर से क्वेश्चंस करता है कि अगर ये है तो क्यों है, अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। ओके, तो यहाँ पे क्रिटिसाइज करता है लर्नर एंड वट एवर सब्जेक्ट टीचर टीचेस लर्नर कुड अंडरस्टैंड इट। तो यहाँ पे जो टीचर कोई भी टॉपिक अगर पर्टिकुलर टॉपिक उसको पढ़ा रहा है तो लर्नर जो उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, मेमोरी लेवल में वो एज इट इज उसको पढ़ लेता था, वो ज्यादा सोचता नहीं था कि ये टीचर मुझे पढ़ा रहे हैं तो क्यों पढ़ा रहे हैं और ये पढ़ रहा हूँ तो क्यों पढ़ रहा हूँ, इसलिए उसमें सिर्फ वो मगअप करता था। अंडरस्टैंडिंग लेवल में वो टीचर जो भी उसको टॉपिक पढ़ाता है वो उसको लर्न तो करता ही है लेकिन उसको अंडरस्टैंड करने की भी कोशिश करता है और क्रिटिसाइज भी करता है। यहाँ पे लर्नर क्रिटिसाइजेस टू टीचर, दैट मीन्स के वो उसको क्रिटिसाइज करता है, क्वेश्चनिंग करता है, उसके जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको कोई क्यूरी रहती है उसको उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करता है। एक्टिव रोल ऑफ बोथ, यहाँ पे दोनों का एक्टिव रोल होता है, स्टूडेंट्स का भी एंड टीचर का भी रोल एक्टिव होता है और मेन रोल जो होता है वो टीचर का होता है। मेन रोल इसमें भी हम लोग कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मेन रोल जो है वो टीचर का ही होता है बिकॉज टीचर ही लर्नर को लर्न करवाएगा ना, तो यहाँ पर मेन रोल जो है वो टीचर का ही होता है। नेक्स्ट लेवल है जो रिफ्लेक्टिव लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल को हंट ने दिया है, ये नेम भी याद रखिए आप लोग, हंट ने दिया है। मेन रोल जो होता है वो स्टूडेंट का होता है, इसमें स्टूडेंट
का रिफ्लेक्टिव लेवल में इंपॉर्टेंट रोल होता है. स्टूडेंट सेंटर्ड एंड प्रॉब्लम सेंटर्ड वी कैन से, कि ये स्टूडेंट सेंटर्ड होता है और प्रॉब्लम सेंटर्ड होता है. अब स्टूडेंट ने उसको अंडरस्टैंड कर लिया, कॉन्सेप्ट को सब कुछ कर लिया, उसके बाद वो उस चीज को समझने की कोशिश और वो अपने आप से उन चीजों को करने की कोशिश करता है कि ये प्रॉब्लम मेरे सामने आई तो अब मैं इसको कैसे डील करूं. इसलिए इसको प्रॉब्लम सेंटर्ड लेवल भी कहते हैं, रिफ्लेक्टिव लेवल को. टीचर गिव्स रियल लाइफ प्रॉब्लम टू स्टूडेंट्स एंड ही ट्राइज टू सॉल्व इट बाय हिज एक्सपीरियंसेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पास्ट लर्निंग. मीन्स उसको जो भी टीचर ने पढ़ाया था तो वो उस बेसिस पर टीचर उसको कोई क्वेश्चन देते हैं. जैसे हम एग्जाम लेते हैं, इवेल्युएशन करते हैं ना बच्चों का, तो उस बेसिस पर जो कुछ भी वो एक यूनिट पढ़ाए, एक चैप्टर पढ़ाए टीचर, उस बेसिस पर बच्चों को, लर्नर को वो एक प्रॉब्लम देते हैं, रियल लाइफ प्रॉब्लम देते हैं. और उनको लर्नर को कहते हैं कि वो अपनी जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, जो पास्ट लर्निंग है, जो कुछ भी वो उनके लेक्चर में उनकी जो भी गाइडेंस थी उसके बेसिस पर वो उसको सॉल्व करने की कोशिश करें. लर्नर इंट्रोस्पेक्ट्स होता है. मीन्स यहाँ पे लर्नर जो होता है इंट्रोस्पेक्ट्स, दैट मीन्स लुक इनटू, वो अपने अंदर झांकता है कि मैंने क्या कुछ सीखा है अपनी पास्ट लर्निंग से और उस बेसिस पर वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है. इसलिए इसको लर्नर इंट्रोस्पेक्ट्स भी बोलते हैं. रिफ्लेक्टिव लेवल में लर्नर को क्या बोलते हैं, लर्नर इंट्रोस्पेक्ट्स करता है. दैट मीन्स वो अपने अंदर झांकता है, अपने पास्ट लर्निंग के बेसिस पर वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता है. क्रिटिकल थिंकिंग होती है इसमें. बच्चे जो हैं वो क्रिटिकली थिंक करते हैं और उस बेसिस पर वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. ओके, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग इट? एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन? नो मैडम, अच्छा समझ में. ओके, आगे बढ़ू? हां, इट्स क्लियर मैम. ओके, मेथड्स ऑफ टीचिंग. यहाँ पे हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ टीचिंग, के टीचिंग कैसे करना चाहिए कि जिसको हम इफेक्टिव बना सके. तो यहाँ पे फर्स्ट मेथड हमारा है कि टीचर सेंटर्ड मेथड. जो हम लोग फर्स्ट लेवल पढ़े ना अभी, कौन सा फर्स्ट लेवल? एनीबॉडी कैन से द नेम ऑफ फर्स्ट लेवल? मेमोरी लेवल. या मेमोरी लेवल. मेमोरी लेवल में जो टीचर सेंटर रोल प्ले करता है, इसीलिए इसको टीचर सेंटर्ड मेथड कहते हैं. इसमें जो टीचर है वो डेमोंस्ट्रेशन करता है, अपने लेक्चर्स देता है. इस अपने लेक्चर मेथड के जरिए बच्चों को इंफॉर्मेशन, अपनी आइडियाज, अपनी इंफॉर्मेशन उनको शेयर करता है. इसलिए यहाँ पे प्राइमरी एंड एक्टिव रोल ऑफ टीचर, टीचर का प्राइमरी और एक्टिव रोल होता है कि जो टीचर है वो एक्टिव रोल प्ले करता है और लर्नर जो होते हैं वो क्या होते हैं, पैसिव होती हैं. और इसको लेक्चर मेथड और चौक एंड टॉक मेथड भी कहते हैं. जिसको हम लोग चौक एंड टॉक मेथड कहते हैं ना, जो हम लोग क्लासरूम में बच्चों को चौक एंड टॉक के जरिए, चौक एंड टॉक के थ्रू हम उनको समझाते हैं, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, लर्नर्स आर पैसिव एंड लेक्चर मेथड चौक एंड टॉक. लेक्चर मेथड को और क्या कहते हैं, चौक एंड टॉक. और इसमें डेमोंस्ट्रेशन होता है. टीचर जो अपने जो भी उसके टीचिंग एड्स होते हैं उनकी बेसिस पर वो टीचर अपने लर्नर को जो भी उसके कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको टीच करता है. ओके, इसमें रेडियो एंड टीवी प्रेजेंटेशन भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये टीचर सेंटर्ड मेथड होता है. अभी जो ऑनलाइन हमारा मेथड स्टार्ट हो गया है पैंडेमिक सिचुएशन में, तो उसमें हम लोग टीवी एंड रेडियो से भी बहुत सारे नॉलेज ले रहे हैं, बहुत सारे कोर्सेज आ गए हैं. अभी हम लोग उन कोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, उनको अभी देखेंगे कि कौन कौन से जो ऑनलाइन मेथड में अभी करंट में जो क्वेश्चंस आप लोगों के नेट सेट के पेपर में पूछे जा रहे हैं वो इन्हीं पर पूछे जा रहे हैं. ऑनलाइन टीचिंग के ऊपर ही वो लोग क्वेश्चनिंग कर रहे हैं कि व्हाट आर दी मेथड्स ऑफ ऑनलाइन टीचिंग, के इसमें टीचिंग लर्निंग एंड इवेल्युएशन किस तरीके से होता है, कैसे किस बेसिस पर उसको दिया जा रहा है, कैसे दिया जा रहा है और कौन कौन से कोर्सेज हैं, वो सारा भी हम लोग देखेंगे. तो टीवी एंड रेडियो प्रेजेंटेशन भी होता है, इसमें टीचर सेंटर्ड होता है, उसमें कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ टीचर जो है अपनी नॉलेज को लर्नर तक पहुंचा देता है, दैट्स इट. ओके, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड टीचर सेंटर्ड मेथड. नेक्स्ट वन इज लर्नर सेंटर्ड मेथड.
कि यहाँ पे लर्नर जो है वो सेंटर रोल होता है उसका, लर्नर जो है यहाँ पे एक्टिव रोल होता है उसका, मेन रोल होता है, और टीचर्स रोल इज टू गाइड ओनली। टीचर का क्या रोल होता है? सिर्फ गाइड करने का इसको रोल होता है कि वो बच्चों को गाइड करता है कि ये प्रॉब्लम है तुम्हारे सामने, अभी तुम इसके ऊपर ऐसे ऐसे कीजिए, और बाकी पूरा काम कौन करता है? लर्नर करते हैं। इसलिए इसको लर्नर सेंटर्ड मेथड कहते हैं, और इसमें टीचर का जो रोल होता है वो सिर्फ गाइड करने का होता है, बाकी उसको इंस्ट्रक्शन देता है, सिचुएशन को एक सिचुएशन देता है, और लर्नर को कहता है कि वो उसको डील करने की कोशिश करे। टीचर गिव इंस्ट्रक्शंस एंड सिचुएशंस टू डील विद इट। टीचर उसको कुछ इंस्ट्रक्शन देता है लर्नर को, और उसको डील करने को बोलता है कि इस सिचुएशन में तुम जाओगे तो क्या करोगे। तो यहाँ पे आप लोग पिक्चर देख सकते हो कि बहुत सारे लर्नर्स हैं, और एक उनका गाइड है जो उनका टीचर है, वो उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, कुछ गाइडेंस कर रहा है, दैट्स इट। बाकी सारा काम कौन करते हैं? लर्नर करते हैं। तो इसमें ग्रुप डिस्कशन, प्रोजेक्ट मेथड, असाइनमेंट, केस स्टडी, वर्कशॉप और भी बहुत सारे हैं। तो इसमें ये सारे मेथड आते हैं। तो इसमें ग्रुप डिस्कशन होता है, बच्चों को एक पर्टिकुलर टॉपिक दे दिया जाता है, और उनके ऊपर वो टीचर जो बोलते हैं इसके ऊपर आप लोग डिस्कस कीजिए, और इसको बताइए कि क्या इसका जो आउटकम निकलता है क्या आता है। प्रोजेक्ट मेथड होता है, एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ग्रुप में प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, असाइनमेंट दिया जाता है, केस स्टडी करने को दिया जाता है, और वर्कशॉप होते हैं। तो ये सारे लर्नर सेंटर्ड मेथड में आते हैं। जो अभी हमारा मेथड चल रहा है CBCS, उसमें यही सारी चीजें करवा रहे हैं ना बच्चों से। Am I right? Yes, ma'am. Yes, madam. Okay. Next one is मोंटेसरी मेथड। मोंटेसरी मेथड में भी ये वैसा ही रहता है जैसे कि लर्नर सेंटर्ड मेथड है, ऐसा ही सेम मेथड है ये मोंटेसरी मेथड। इसमें भी जो लर्नर होते हैं वो एक्टिव रोल प्ले करते हैं, और जो उनका गाइड करने वाला रहता है वो उनको सिर्फ गाइड करता है। इसमें हैंड्स ऑन लर्निंग एंड कोलैबोरेटिव प्ले होता है, मीन्स लर्नर और जो उनका टीचर होता है दोनों इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बट जो टीचर है वो सिर्फ उनको गाइड करता है। चिल्ड्रन मेक क्रिएटिव चॉइसेस इन देयर लर्निंग। जो चिल्ड्रन होते हैं वो उनकी ओन चॉइसेस पर वो लर्निंग करते हैं कि वो किस में वो लोग क्या करेंगे। मीन्स किसी बच्चे को ड्राइंग करना अच्छा लगता है, किसी को क्राफ्ट में अच्छी है उनको अच्छा लगता है, कोई राइटिंग बहुत अच्छी करता है, कोई पोएट्री अच्छी करता है। तो अपनी चॉइस बाय चॉइस, CBCS जो पैटर्न हमारा वही है ना, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, के बच्चों की जो चॉइस है उस बेसिस पर उनको लर्न करवाइए, उनको टीच करवाइए, टीच कीजिए। तो यहाँ पे चिल्ड्रन जो है वो अपनी चॉइसेस के बेसिस पर लर्निंग करते हैं, बेस्ड ऑन सेल्फ डायरेक्टेड एक्टिविटी। यहाँ पे क्या होता है कि सेल्फ डायरेक्टेड एक्टिविटी होती है, लर्नर खुद को मोटिवेट करता है किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए। उसका दिल हो रहा होता है कि वो ड्रॉइंग करेगा, तो उसको ड्रॉइंग करने के लिए वो अपना सेल्फ मोटिवेटेड होता है। तो ये सेल्फ डायरेक्टेड एक्टिविटी है। हाईली ट्रेंड टीचर्स होते हैं, इसमें जो टीचर्स होते हैं वो हाईली ट्रेंड होते हैं, ये मोंटेसरी होते हैं। बहुत सारे छोटे बच्चे होते हैं, मीन्स 3 साल से आई थिंक 6 ईयर तक के बच्चे होते हैं इसमें। तो उन बच्चों को हाईली ट्रेंड टीचर को ही दिया जाता है ताकि वो उनको अच्छे से गाइड कर सके। एज एप्रोप्रिएट एक्टिविटीज होती हैं, एज के अकॉर्डिंग उनको एक्टिविटीज दी जाती हैं। छोटे बच्चे हैं तो उस बेसिस पर उनको वैसे ही एक्टिविटीज दी जाती हैं, मीन्स उनसे ड्राइंग बनवाया जाता है, उनको खेलने के लिए अलग अलग टॉयज वगैरह देते हैं, उनको उसमें उसके ऊपर कुछ बोलने के लिए कहा जाता है। बहुत सारी एक्टिविटीज होती है इसमें। गाइड द प्रोसेस बाय टीचर, इसमें जो टीचर है वो क्या करता है उनके प्रोसेस को गाइड करता है। जो कुछ भी वो कर रहे होते हैं सिर्फ वो एक वॉच रखता है उसके ऊपर, एक गाइडेंस देता है कि हाँ ये तुम अच्छा कर रहे हो, ये ऐसे कीजिए, ये वैसे कीजिए, बस इतना ही करता है। बाकी पूरा काम जो है वो लर्नर ही करते हैं। तो ये एक तरीके से लर्नर सेंटर्ड मेथड ही हो जाएगा, लेकिन ये न्यू मेथड है। अभी हमारे जो क्वेश्चंस बन रहे हैं ये इसके ऊपर बन सकते हैं। मोंटेसरी मेथड जो अभी नया मेथड आया है, ये मोंटेसरी मेथड हालांकि ये पुराना ही है, ट्रेडिशनल ही है, बट उसको एक नया नेम, न्यू नेम दे दिया गया है, मोंटेसरी मेथड। ओके, नेक्स्ट वन इज ऑनलाइन मेथड। इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ आवर टूडेज सेशन, दैट इज ऑनलाइन मेथड।
दीजिए किसका ये डिस्टर्बेंस हो रहा है प्लीज. ओके तो यहाँ पे ऑनलाइन मेथड मैं इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज हम लोग अभी जो एरा में हैं वो एक ऐसा एरा है जहाँ पे हर चीजें ऑनलाइन ही हो रही हैं, है ना. हालांकि ये मेथड जो है 2014 में जब बीजेपी आया तो उस टाइम से ही स्टार्ट हो गया था क्योंकि बीजेपी का ये एम ही था कि वो सारी चीजों को डिजिटलाइज कर दिए थे, तो टीचिंग सेक्टर को भी उन लोगों ने डिजिटलाइज कर दिया था. लेकिन ये अभी हमारे कोविड में बहुत ज्यादा इसको वो मिला, प्रोमोशन मिला. दैट मींस कैन से कि ऑनलाइन मेथड से हम लोग टीचिंग एकदम छोटे छोटे गांव में भी ऑनलाइन मेथड यूज हो रहा है ना. एम आई राइट? यस मैम. यस मैम. ओके ओके. तो यहाँ ऑनलाइन मेथड ये जो है इसके ऊपर आपके हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस आए क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन पेपर्स जो अभी रिसेंटली जो एक दो ही मैंने देखे, ज्यादा पेपर्स आप लोगों के मैं ऑब्जर्व नहीं कर पाई, तो उसमें यही देखने को मिला कि इसी के ऊपर क्वेश्चंस बन रहे हैं. आप लोगों ने भी अगर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए होंगे तो आप लोगों को स्वयं के ऊपर आप लोगों को क्वेश्चंस मिले होंगे, है ना. आई थिंक ये भी 2020 में ही पूछा गया था स्वयं के ऊपर. किसी ने सॉल्व किया है क्या क्वेश्चन पेपर? ओके. अच्छा अच्छा, एक दो ने किया है, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक. एंड ये स्वयं के ऊपर क्वेश्चंस आए हैं तो देखते हैं इसमें ऑनलाइन मेथड में क्या होता है कि लर्नर कैन लर्न एट एनी टाइम एंड एनी वेयर. कि लर्नर इसको लर्न कर सकता है कहीं से भी, उसको नॉट नेसेसरी टू गो इन एनवायरनमेंट ऑफ टीचिंग एंड टू गो इन क्लासरूम एंड टू सिट देयर, ये सब नहीं होता है. वो कहीं से भी किसी भी टाइम पे, आप लोग ट्रैवलिंग कर रहे हो वहां से पढ़ा सकते हैं और बच्चा कहीं से भी उसको पढ़ सकता है, या कुछ कर रहा है बाहर खेल रहा है और लेक्चर स्टार्ट हो गया तो वो वहां से भी उसको ऑनलाइन होकर वो सीख सकता है. तो यहाँ पे लर्नर कैन लर्न एट एनी टाइम एंड एनी वेयर, वो कहीं से भी लेक्चर को सुन सकता है और उसको समझ सकता है. नेक्स्ट है MOOCs. इसमें जो है MOOCs होते हैं, MOOCs का फुल फॉर्म यहाँ पर है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज. बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हो रहे हैं, मैसिव इसको इसलिए बोला जा रहा है कि हम जो हमारी ट्रेडिशनल क्लासेस हैं उसमें हम ज्यादा से ज्यादा 100 स्टूडेंट्स, 200 स्टूडेंट्स, बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है तो उसमें 500 स्टूडेंट्स को हम लोग एट अ टाइम पढ़ा सकते हैं, एट अ टाइम टीच कर सकते हैं. बट इसमें क्या होता है कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स होता है, ये ओपन होता है, फ्री होता है, इसलिए हर कोई इसको ज्वाइन कर सकता है कहीं से भी. जैसे यूट्यूब पर एट अ टाइम कितने सारे लोग टीचिंग करते भी हैं और लर्नर जो है वहां से लर्न भी करता है. तो ये एक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स इसीलिए इसको बोला गया है. MOOCs के भी फुल फॉर्म आप लोग याद रखिए, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स में भी फुल फॉर्म ही पूछ ले. ओके. नेक्स्ट वन इज स्वयं. स्वयं जो है उसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे और स्वयं प्रभा, ये दो कोर्सेस क्या हैं इसको देख लेते हैं. फर्स्ट वन इज स्वयं. स्वयं जो है उसका फुल फॉर्म जो है स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स. तो ये किसके लिए है कि जो एक्टिव लर्नर हैं, यंग एस्पायरिंग माइंड्स जो होते हैं, है ना, हम जैसे ही आप सब भी एस्पायरिंग ही है ना नेट सेट के लिए, तभी तो आप लोग इस क्लास को, इस वर्कशॉप को ज्वाइन किए हो. आप लोगों को नेट सेट क्रैक करना है, उसी बेसिस पर आप लोग यहाँ पे वर्कशॉप ले रहे हो. रेगुलरली आप लोग यहाँ पर आ रहे हो. अभी ये पूरा 10 यूनिट होने तक, कंप्लीट होने तक ये वर्कशॉप चलेगा, है ना. तो इसीलिए आप लोग ये स्वयं का भी यही उसमें मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो एक्टिव लर्नर्स हैं, जो जो यंग एस्पायरिंग माइंड्स हैं, उनके लिए ये स्टडी वेब है. और इसका जो वो हुआ था, फाउंडेशन हुआ था 9 जुलाई 2017 में हुआ था. ये डेट याद रखिए. स्वयं के ऊपर क्वेश्चन आया तो ये पूछ सकता है कि स्वयं का इनिशिएशन कब हुआ था, तो 9 जुलाई 2017. ओके. इसमें जो कोर्सेज होते हैं वो 9 to post graduate तक होते हैं. मीन्स 9th class से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट होने तक सारे इसमें क्या रहते हैं, कोर्सेज रहते हैं. और वी कैन से हम लोग इसको पूरा सीख सकते हैं उसको ऑनलाइन जाकर. उसके ऊपर अपने क्लास डालेंगे, अपने जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो डालेंगे, जो भी आपको टॉपिक डालना है वो उसके ऊपर इंटर करेंगे और आप लोग वहाँ से सीख सकते हैं. और इसका इनिशिएशन किसके जरिए हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
प्लस एमएचआरडी, एमएचआरडी दैट मींस मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एमएचआरडी और प्लस एआईसीटीई, उसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये सारे फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखिए कि स्वयं का इनिशिएशन किसके थ्रू हुआ था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एमएचआरडी एंड एआईसीटीई, इन लोगों ने विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प से इन लोगों ने इसका, इस कोर्स का इनिशिएशन किया था। इक्विप्ड फॉर फैसिलिटेटिंग 2000 कोर्सेज, इसमें कितने कोर्स हैं, 2000 कोर्सेज हैं। इसको लॉन्च किया गया था एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिस्टर प्रणब मुखर्जी, इसको लॉन्च किया गया था हमारा जो एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है मिस्टर प्रणब मुखर्जी के थ्रू। ओके, स्वयं, नेक्स्ट जो है हमारा स्वयं प्रभा, जो ऑनलाइन कोर्स है वो कौन सा है, स्वयं प्रभा, इसके बारे में मैं भी बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, है ना, कोई जानता है, आ कोई देखता है क्या इसके ऊपर, एनीबॉडी, नो वन, ओके, नाम तो सुने हो ना, स्वयं प्रभा, यस मैडम, यस मैम, ओके ओके, तो ये डायरेक्ट टू होम होता है, मींस डायरेक्ट टू होम दैट मींस के ये हमारे जो अपने जो भी हमारे टेलीविजन है, जो भी हम यूज करते हैं, एयरटेल यूज करते हैं या टाटा स्काई, जो भी टीवी का वो यूज करते हैं, वो उसके थ्रू हमारे घर तक पहुंचता है, तो डायरेक्ट टू होम करके दिया जाता है। इसमें 34 चैनल्स हैं, स्वयं प्रभा में इसको चैनल उसको टेलीविजन पर दिखाया जाता है, तो ये 34 चैनल्स है, पहले 32 थे लेकिन अभी 34 चैनल्स हो गए हैं। डिवोटेड टू टेलीकास्टिंग ऑफ हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम्स ऑन 24/7 बेसिस, मींस ये 2400 घंटा और हफ्ते के सातों दिन ये टेलीकास्ट होता है, इसमें बहुत सारे कोर्सेज होते हैं हर टाइप के, तो 2400 घंटा और सातों दिन इसको आप देख सकते हो आपके घर पर बैठकर इस चैनल को, और आप लोग लर्निंग कर सकते हो। इसमें 34 चैनल्स हैं, 32 पहले थे बट अभी 34 हो गए हैं, तो ये भी ध्यान रखिए कि पहले 32 था बट नाउ इट इंक्लूड्स टू चैनल्स, दैट इज 34। न्यू कंटेंट फॉर एटलीस्ट 4 hours विच वुड बी रिपीटेड 5 more times इन अ डे, जो न्यू टॉपिक्स होते हैं उनको 4 hours दिखाया जाता है और पूरा दिन में उसको 5 बार उसको रिवाइज किया जाता है, तो एक टाइम पर अगर आपका एक कुछ टॉपिक छूट गया तो दूसरे टाइम पर आप उसको देख सकते हो। ये पूरा दिन दिखाता है, 4 hours का ये टॉपिक्स चलते हैं और दिन में 5 बार इसको दिखाया जाता है। करिकुलम बेस्ड कोर्सेज होते हैं, जो हमारे करिकुलम होते हैं उसी पर बेस्ड ये सारे कोर्सेज होते हैं, जो कुछ भी उसमें दिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, टीच किया जाता है, वो सारे करिकुलम बेस्ड होते हैं। असिस्ट स्टूडेंट्स फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, इसका मेन जो एम है वो क्या है कि स्टूडेंट्स को असिस्ट करना और उनको इंस्पायर करना फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ताकि वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आगे आए, उनका डेवलपमेंट हो। द कंटेंट्स आर प्रोवाइडेड बाय NPTEL, IITS, UGC, CEC, IGNOU, ये सारे जो हैं इसको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। इन सारे के फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिए एक बार, क्योंकि फुल फॉर्म हमें हर चीज के पता रहना जरूरी है। ओके, तो यहाँ पे कंटेंट जो प्रोवाइड करता है स्वयं प्रभा को, वो ये सारे हैं, NPTEL है, IITS है, UGC है, CEC है, IGNOU है। एयरटेल टीवी पर अगर किसी का वो एयरटेल है तो उसके जो चैनल्स हैं वो 437, 438, 439, उसमें चैनल्स के ये इतने नंबर्स हैं, और टाटा स्काई अगर किसी का है तो वो 756 है। ओके, स्वयं प्रभा का जो चैनल है वो टाटा स्काई पर 755 नंबर का चैनल है, और एयरटेल पर जो है वो 37, 38, 39 ये है। नेक्स्ट वन जो है हमारा मेथड जो है वो फ्लिप्ड क्लासरूम है। फ्लिप्ड क्लासरूम, इसका नेम ही क्या शुरू कर रहा है कि फ्लिप करना, दैट मींस किसी चीज से किसी चीज में हम लोग फ्लिप कर जाना, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड था, ट्रेडिशनल मेथड दैट मींस व्हाट, कि हम लोग क्लासरूम में बच्चों को लेक्चर देते थे, कुछ उनको एक यूनिट पकड़ के उनको पढ़ाते थे और उसी पे बेस्ड उनको कुछ होमवर्क दे देते थे कि घर से लिख कर लाना, है ना, इसी टाइप का हम लोग उन लोगों को देते थे। लेकिन अभी फ्लिप्ड क्लासरूम में, फ्लिप्ड मेथड में ये हो गया है कि वो लोग को घर पर लेक्चर्स हो, ये लेक्चर्स जो है उनको घर पर ही
जो भी वो लेक्चर्स हैं वो टीचर घर से घर पर ही उनको दे देता है, और वो लेक्चर सुनकर क्लासरूम में आते हैं और क्लासरूम में वो सारी एक्टिविटीज करते हैं, तो इसको फ्लिप्ड क्लासरूम कहते हैं। बिल्कुल हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड था उसके बिल्कुल उलट अपोजिट में ये मेथड चलता है। अब फ्लिप्ड क्लासरूम इज एन इंटर इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी एंड अ टाइप ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग। मीन्स यहाँ पे ब्लेंडेड लर्निंग होती है, दो टाइप की लर्निंग होती है, लेक्चर भी होते ही उनको, लेकिन कुछ क्लासरूम एक्टिविटीज भी होती है। घर पर वो लेक्चर्स देखते हैं, सुनते हैं, और क्लासरूम में आकर वो लोग एक एक्टिव पार्टिसिपेशन देते हैं, विच एम्स टू इंक्रीज स्टूडेंट्स एंगेजमेंट एंड लर्निंग। इसका एम क्या है कि स्टूडेंट्स की लर्निंग और उनको ऑल द टाइम एंगेज करके रखना किसी ना किसी काम में, किसी ना किसी एक्टिविटी में, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ होगी, उनकी मेंटल एबिलिटी, उनके हर तरीके का डेवलपमेंट होगा। अगर वो ऑल द टाइम एकदम एक्टिव रहेंगे, एकदम एनर्जेटिक रहेंगे और किसी ना किसी एक्टिविटी में वो लोग अपने आप को स्पेंड करेंगे, तो ये उन लोगों की हर तरीके की डेवलपमेंट होगी। बाय हैविंग स्टूडेंट्स कंप्लीट रीडिंग एट देयर होम, उनको क्या किया जाता है कि उनकी जो रीडिंग होती है, जो भी लेक्चर्स होते हैं, वो सारे घर पर ही होते हैं, वो घर से करके आते हैं और सिर्फ यहाँ पर आकर क्लासरूम में आकर वो कोई एक्टिविटी कर देते हैं। दैट इज वाई इसको क्या बोला गया है कि कंप्लीट रीडिंग ये इनकी घर पर ही होती है। तो फ्लिप्ड मेथड में ये अपने जो लेक्चर्स होते हैं वो घर से ही सुनकर सीख कर आते हैं, सिर्फ आकर यहाँ क्लासरूम में वो एक एक्टिविटी करते हैं। वर्क ऑन लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग ड्यूरिंग क्लास टाइम, उनको वर्क कर दिया जाता है, जो भी वो लेक्चर सुने हैं या पढ़कर आए हैं उसी बेसिस पर उनको कोई प्रॉब्लम दिया जाता है लाइव क्लास में, और उसको सॉल्व करने की उनको बोलते हैं कि ये सॉल्व करके दिखाइए। तो वो उसमें उस एक्टिविटी में वो लोग इंगेज रहते हैं और एक्टिव पार्टिसिपेशन देते हैं, और वहां पे फिर पूरे लर्नर का एक्टिव पार्टिसिपेशन हो जाता है। तो फ्लिप्ड क्लासरूम मेथड जो है, जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, बिल्कुल उसके अपोजिट है। तो अभी हमारे जो ऑनलाइन मेथड चल रहे हैं वो इसी टाइप के हैं कि हम लोग उनको जो टीचर्स हैं वो लर्नर को घर पर बैठकर ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, और उनकी कुछ अगर एक्टिविटी है तो हम कॉलेज बुलवाते हैं और फिर उनसे उनका जो भी वो लेक्चर्स लिए हैं उस बेसिस पर उनसे कोई वर्कशॉप ले लेते हैं, कोई उनका केस स्टडी कुछ करने को बोलते हैं, कुछ भी करने को हम उनको क्लासरूम में देते हैं। तो ये फ्लिप्ड क्लासरूम मेथड जो है ये हमारा अभी न्यू मेथड ही है। नेक्स्ट मेथड इज प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, इसको PBL भी बोलते हैं शॉर्ट में, PBL प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। इसमें बच्चों को प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है, स्टूडेंट्स की जो लर्निंग होती है वो प्रोजेक्ट बेस्ड होती है, स्टूडेंट सेंटर्ड, इसीलिए इसको बोलते हैं कि स्टूडेंट जो है इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन उसका होता है। इन्वॉल्व्स अ डायनामिक क्लासरूम अप्रोच, इसमें लर्नर्स को अलग अलग एक्टिविटी दी जाती है, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उनको प्रोजेक्ट दे दिए जाते हैं, और उसके अकॉर्डिंग वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और वो लोग उसमें हर तरीके की उनको ग्रोथ हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग अलग अलग उनके नेम देख रहे होंगे कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में क्या होता है कि दे ग्रो मोर एम्पैथेटिक, दे बिकम प्रॉब्लम सॉल्वर्स, दे थिंक डाइवर्जेंटली, दे मेक डीप कनेक्शंस बिटवीन आइडियाज। यहाँ पे आप लोग पिक्चर्स में देख रहे होंगे कि उनकी बहुत सारी वो लोग डीप उनकी जो नॉलेज होती है और जो डीप ग्रोथ होती है इस प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में होती है। इट इज बिलीव्ड दैट स्टूडेंट्स एक्वायर अ डीपर नॉलेज थ्रू एक्टिव एक्सप्लोरेशंस ऑफ रियल वर्ल्ड चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स। इसमें प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में ये एक्वायर किया जाता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको डीपर नॉलेज होगी, और वो उनके जो एक्टिव एक्सप्लोरेशंस हैं, जो रियल वर्ल्ड चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि अभी अगर उनको कोई चैलेंज दे दिया जाए, कोरोना के ऊपर ही कुछ उनको प्रोजेक्ट दे दिया जाए, तो उस बेसिस जो भी उनको कोरोना से रिलेटेड उनकी नॉलेज है, जो भी उनके आइडियाज है, उस बेसिस पर वो और उसके ऊपर रिसर्च करेगा और वो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर हम सभी जो पीपल हैं, तो अभी हमारी जो पैंडेमिक सिचुएशन है उसमें यही कर रहे हैं कि जो हम खुद से ही कुछ ना कुछ उसमें उसको फेस करने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना अगर हमारे आसपास कुछ ऐसे दिख भी रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने हिसाब से कुछ उसको
डील करने की कोशिश करते हैं कि अरे भाई हैंड वॉश करो, मास्क लगाओ, इनसे दूर रहो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, और भी फिर उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि और क्या क्या कर सकते हैं, क्या हमें खाना चाहिए, कौन सा प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो ये उसकी वजह से क्या होती है कि लर्नर की जो नॉलेज होती है वो और डीप होते जाती है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में यही होता है कि नॉलेज को डीप होती है इसमें नॉलेज, और स्टूडेंट का जो पार्टिसिपेशन है वो एक्टिव होता है। नेक्स्ट वन इज डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड में डिस्कशन होती है, एक पर्टिकुलर टॉपिक रहता है उसके ऊपर डिस्कशन रहती है, और लर्नर जो है उसको डिस्कस करते हैं, अपने अपने आइडियाज देते हैं। तो यहाँ पे एट अ टाइम बहुत सारे आइडियाज हमारे सामने आ जाते हैं, क्योंकि जितने पर्सन रहेंगे उतने लोगों के आइडियाज एक टॉपिक पर आएंगे। और डेवलपमेंट इन माइंड एबिलिटी, डेवलपमेंट होता है किसमें, माइंड एबिलिटी में। जैसे कि मैं कुछ सोच रही हूँ इस टॉपिक को लेकर, इससे अच्छा आप लोग इस टॉपिक को लेकर कुछ सोच रहे होंगे। तो इसमें हर एक का अपना अपना व्यू पॉइंट सामने आता है, और हर कोई सोचता है कि यस इसके ऊपर मैं ये भी बोल सकती थी, मैं ये भी कर सकती थी, इस टाइप का। तो इसमें डेवलपमेंट होती है माइंड एबिलिटी में, और स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, मीन्स इसमें सारे लर्नर्स का पार्टिसिपेशन होता है। हर लर्नर कुछ ना कुछ उस टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक पर अपने आइडिया शेयर करता ही है। नेक्स्ट मेथड इज ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड। तो ये आइडियाज जनरेट करता है ये मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है कि इसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया जाता है और उसके ऊपर लर्नर को जो है अपने आइडियाज बहुत जल्दी जल्दी बोलने रहते हैं। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, आइडियाज जनरेट करता है, मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप कंट्रीब्यूट आइडियाज इंस्पॉन्टेनियसली। तो यहाँ पे एक ग्रुप होता है वो अपने आइडियाज को बहुत जल्दी, एक तरीके से हम डिस्कशन ग्रुप मेथड भी इसको बोल सकते हैं कि हाँ ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है डिस्कशन मेथड में आएगा कि इसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है। यस, तो ये एक आइडियाज जनरेट ये भी करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम होगा उसके ऊपर बहुत सारे डिस्कशन होंगे, बहुत सारे ओपिनियन आएंगे, आइडियाज आएंगे, तो ये एक तरीके का प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है। मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप कंट्रीब्यूट आइडियाज इंस्पॉन्टेनियसली। जो मेंबर होते हैं तो वो अपने आइडियाज को सामने रखता है, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लर्नर सेंटर्ड मेथड कहते हैं। इट इज कॉल्ड लर्नर सेंटर्ड मेथड। ओके, नेक्स्ट वन इज बज सेशन। बज सेशन हम लोग जब ये प्राइमरी स्कूल में थे उस टाइम पे हमारे टीचर्स बहुत करवाते थे ना इसके ऊपर, बच्चों को पूरे क्लास को छोटे छोटे ग्रुप में दो तीन स्टूडेंट्स को बिठा देते थे, अब बोलते थे कि यहाँ पे कुछ अपनी टॉक करो, और जो भी आप लोग कोई स्टोरी क्रिएट कर रहे हो उसको आके फिर हमारे सामने बताइए। आप लोगों की क्लास में कभी आप लोग प्राइमरी में थे हुआ है क्या आप लोगों का? एनीबॉडी? मैडम याद नहीं है। यस मैम हुआ है, बीएड में भी हम लोगों को ये जामिया में कराया गया था। हमारे उसमें टाइम पे भी प्राइमरी लेवल पर हमें ऐसे ही करते थे, टीचर जो हमें छोटे छोटे ग्रुप में बांट देते थे और एक पर्टिकुलर टॉपिक दे देते थे, और उसके ऊपर हमें बोलते थे कि तुम अपनी एक स्टोरी क्रिएट करो, और फिर उसको पूरे क्लासरूम के सामने आके हमको प्रेजेंट करना रहता था कि हमने ये स्टोरी बनाई है हमारी। तो बहुत ही अच्छा मेथड है ये, कि इससे बच्चों की जो मेंटल एबिलिटी होती है उसमें डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे आइडियाज जनरेट होते हैं, डिवाइड लर्नर इंटू स्मॉल ग्रुप्स, लर्नर को जो है स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। डिस्कस द आइडियाज अमंग देमसेल्स, उनको कहा जाता है कि जो भी आइडियाज हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर अपने आप में ही वो क्या कीजिए, आप लोग डिस्कस कीजिए, एंड देन आफ्टर दैट प्रेजेंट इट टू द होल, पूरी क्लास या पूरे लोगों के सामने या टीचर्स के सामने उसको क्या करना है, प्रेजेंट करना है जो भी उनके आइडियाज आए हैं उस टॉपिक को लेकर। तो इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है कि आइडियाज जनरेट होते हैं, लर्नर बहुत जल्दी जल्दी उस सोचने की उसकी सलाहियत बढ़ती है, मेंटल एबिलिटी एक्सपांड होती है, और जो बच्चों में एक तरीके का सीखने का वो होता है कि नहीं मैं इसके ऊपर क्या बढ़कर बोल सकूं, वो इस कोशिश में रहता है, बच्चों में रहता है ना क्यूरियोसिटी बहुत रहती है, अरे मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा, है ना। ओके, नेक्स्ट है फिश बोल मेथड। आप लोग देख रहे होंगे कि ये मैं पिक्चर में एक बोल के जैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे जो इनर सर्कल है वो लर्नर है जो के इंगेज्ड है इन कन्वर्सेशन। इनर सर्कल में आप लोग देख रहे होंगे कि कोई स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे चार स्टूडेंट्स हैं जो के
एक कन्वर्सेशन में इंगेज हैं और उनके बाहर जो एक आउटर सर्कल है उसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ लर्नर हैं जो कि सिर्फ ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे क्या होता है कि वन बाय वन जो इनर सर्कल में एक पार्टिसिपेट जो लर्नर है वो निकलता है, आउटर सर्कल में जाता है और आउटर सर्कल वाला इनर सर्कल में आता है और फिर वो अपनी जो भी आइडियाज होते हैं, ओपिनियन होते हैं उसको डिस्कस करता है। तो वन बाय वन जो आउटर सर्कल वाले होते हैं वो इनर सर्कल में आते हैं और फिर अपने आइडियाज को बोलते हैं। तो यहाँ पे जितने लोग होते हैं उतने लोगों का पार्टिसिपेशन होता है, तो एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है ऑफ एवरी लर्नर। तो इसीलिए इसको फिश बोल मेथड कहते हैं, क्योंकि ये बोल के जैसा दिख रहा है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ एवरी लर्नर, के इसमें हर लर्नर का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। आउटर सर्कल वाले भी पूरे इनर सर्कल में आते हैं और इनर सर्कल वाले तो ऑब्वियस है कि वो कन्वर्सेशन कर ही रहे हैं, कम्युनिकेशन कर ही रहे हैं, अपने आइडियाज को डिस्कस कर ही रहे हैं विद द अदर पार्टिसिपेंट्स। एक्सप्लोर वेरियस पर्सपेक्टिव्स, इसमें बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स एक्सप्लोर होते हैं, जितने लोग होंगे उतने आइडियाज आएंगे, है ना। तो यहाँ पे एक्सप्लोर होते हैं बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स। एक्सप्लोर टॉपिक्स डीपर, तो यहाँ पे जो टॉपिक होता है वो क्या होता है, डीप से डीप होता चला जाता है, उसमें नॉलेज एक बढ़ती है फिर दूसरी फिर तीसरी, इस तरीके से वो जो टॉपिक है पर्टिकुलर वो बहुत ज्यादा डीपनेस ले लेता है। इसलिए इसको एक्सप्लोर टॉपिक्स डीपर बोल रहे हैं कि ये फिशबोल मेथड में हर लर्नर का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, इसमें आइडियाज एक्सप्लोर होते हैं और ये जो टॉपिक जो है वो बहुत ज्यादा डीप हो जाता है। आफ्टर दैट वी विल सी फेजेस ऑफ टीचिंग, के हाँ मेथड अभी हो गया कि कितने सारे मेथड थे वो हो गए, तो मेथड भी आप लोग ध्यान रखिए, पर्टिकुलरली ऑनलाइन मेथड को आप लोग याद रखिए, क्योंकि ऑनलाइन मेथड जो अभी करंट मेथड है और उसी के ऊपर वो क्वेश्चंस कर सकते हैं एग्जामिनर, है ना। तो आप लोग वो स्वयं है, मूक्स है, स्वयं प्रभास है, वो सारे आप लोग देखिए, उसके बारे में डीप नॉलेज लीजिए, है ना। ऑनलाइन मेथड अभी करंट मेथड है, दैट इज व्हाई उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। स्वयं कब आया, स्वयं प्रभा में चैनल्स कितने हैं और किसने लॉन्च किया, वो सारी चीजें आप लोग देख लीजिए, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। वैसे अभी हम लोग देख ही रहे हैं और उसके ऊपर हमारे वीडियोज भी बन रहे हैं, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से उसको देख भी सकते हैं, जब चाहे आप लोग उसको ओपन कीजिए और देख लीजिए। तो नेक्स्ट जो हमारा है फेजेस ऑफ टीचिंग, के टीचिंग के कितने फेजेस हैं, तो यहाँ पे प्री एक्टिव फेज है, इंटर एक्टिव फेज है एंड पोस्ट एक्टिव फेज। प्री एक्टिव फेज को प्लानिंग स्टेज भी बोल रहे हैं। प्लानिंग स्टेज इसलिए कि इसमें जो टीचर होता है उसका वो काम फेज होता है, उसमें वो काम एकदम बैठता है और अपने जो भी प्लानिंग होती है, जैसे वो अभी आप लोग किसी ने बीएड का जिक्र किया है ना, तो उसमें आप लोगों को पहले प्लानिंग करनी रहती है, एम आई राइट, कौन था के प्लानिंग करते हैं पहले कि मैं बच्चों को जाकर क्लासरूम में क्या पढ़ाऊंगा। वैसे तो हर टीचर वही करते हैं कि पहले प्लानिंग करते हैं, नॉट नेसेसरी डीएड और बीएड, ओके, हर स्टेज वाले टीचर वही करते हैं, पहले प्लानिंग करते हैं कि पहले प्लानिंग कर लो भाई कि मैं क्लास में क्या जाके समझाऊंगा, समझाऊंगी, मैं बच्चों से ये क्वेश्चन करूंगी, उनकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन लेंगे जो भी है। तो यहाँ पे वो उसका काम फेज भी बोलते हैं इसको और प्लानिंग स्टेज भी बोलते हैं। इसमें वो जो भी पर्टिकुलर टॉपिक है उससे रिलेटेड वो प्लानिंग करता है कि क्लासरूम में मैं जाके ये चीजें करूंगा, ये एक्शन करूंगा, तो दैट इज कॉल्ड प्री एक्टिव फेज। नेक्स्ट वन इज इंटर एक्टिव फेज। तो इंटर एक्टिव फेज क्या बोल रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन होता है, इसमें इम्प्लीमेंटेशन होता है, दैट मीन्स जो भी उसने प्लानिंग की है उस टीचर ने वो क्लासरूम में जाकर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करता है, उसको उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट में लाता है, जो कुछ भी वो प्लानिंग वहां जाकर क्लासरूम में लर्नर के सामने वो उस चीज को पढ़ाता है, दैट इज व्हाई इसे इम्प्लीमेंटेशन स्टेज या इंटर एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग भी कहते हैं। आफ्टर दैट पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, जिसको इवेल्युएशन स्टेज भी कहते हैं। अब इवेल्युएशन से ये मतलब नहीं कि हमारा जो सेमेस्टर्स होते हैं लास्ट में हम जो एग्जाम लेते हैं दैट इज व्हाट, नो ये नहीं। आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग भी सारे टीचर्स ही हैं, नो डाउट, डिग्निफाइड टीचर्स यू आर,
तो आप लोग भी यही करते हैं कि हमारा एक यूनिट कंप्लीट होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि उसके ऊपर एक यूनिट के एक लेक्चर ही फिनिश होता है तो हम लास्ट में बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं कि मैंने ये आपको पढ़ाया, ये टीच किया, इसके ऊपर आपका क्या आंसर आता है, आप लोगों को समझा नहीं समझा, वो कुछ क्वेश्चनिंग करता है एंड ऑन दैट बेसिस वो उनको जज करता है और फिर वो सोचता है कि मैंने इनको ये पढ़ाया, इसके ऊपर इन लोगों का ये रिप्लाई आया, तो मुझे इनके इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करना चाहिए। मुझे अपने अंदर, खुद के अंदर टीचर भी ये करता है कि वो खुद भी सोचता है कि मैं अपने अंदर कौन सी इम्प्रूवमेंट लाऊं ताकि मैं बच्चों को और अच्छे से समझाऊं और अच्छे वे में इनको समझ में आए, कौन सा टीचिंग एड यूज करूं कि मैं अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बना लूं, है ना। तो ये सारी चीजें वो यहाँ पे करता है पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग में, जिसको इवेल्युएशन स्टेज भी कहते हैं कि इस स्टेज टीचर में का ही इवेल्युएशन होता, जी। टीचर ही अपने आप पर इवेल्युएशन करती, बोले सॉरी फिर से बोलिए। टीचर खुद अपने आप पर इवैल्यूएशन करती कि मैं कैसा आगे और अच्छा बेहतर बनाऊं। के टीचर जो है अपने अंदर खुद भी इवैल्यूएशन करता है, वो बच्चों की परफॉर्मेंस को तो जांचता है, उनको असेस करता ही है, लेकिन वो अपने आप को भी देखता है कि मैं अब क्या करूं इसमें, और फिर वो उस बेसिस पर सोचता है कि मैं अपने अंदर इम्प्रूवमेंट क्या करूं, और वो बच्चों का भी खुद मीन्स वो इवैल्यूएशन कर रहा है ना, तभी उसको समझ में आता है कि हाँ अभी इनको इतना नहीं समझा है इसलिए मैं अपने अंदर ये सारे चेंजेस लाऊं एंड फिर इनको अच्छे से समझाओ ताकि ये टॉपिक उनको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसीलिए इसको पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग कहते हैं, दैट इज व्हाट इवैल्यूएशन स्टेज। ओके ओके मैम। ओके, नेक्स्ट वन इज बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग। तो टीचिंग के कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर टीचिंग करना है तो हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। जैसे मैं सपोज मैं ये नहीं बोलती हूँ कि मैं आपको टीच कर रही हूँ, नो नो वे, आप लोग सारे के सारे अच्छे नेट सेट एग्जाम में अपियर होने वाले हैं, कहीं ना कहीं मे भी जॉब करते ही होंगे, ऑल आर टीचर्स, या एम आई राइट? 50% यस है, मैम, 50% नहीं है यस मैम। ओके यस मैम, यस मैम। ओके, तो यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि मैं अगर आपको टीच कर रही हूँ सपोज कीजिए, तो मैं हमें क्या क्या चीजें चाहिए, तो नो डाउट पहले तो टीचर चाहिए ही। टीचर होना, हाँ टीचर स्टूडेंट्स होना, होगा, टीचर ही टीचर तो चाहिए ही भाई, कि अगर कोई टीचिंग करनी है तो टीचर चाहिए, टीचर नहीं रहेगा तो वो टीचिंग नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट फिर है लर्नर, लर्नर भी चाहिए यहाँ पर, कि अगर कोई टीचर है कोई टीचिंग करने वाला है तो लर्नर तो चाहिए, अगर लर्नर ही नहीं रहेंगे तो हम टीचिंग कहाँ से करेंगे। जैसे अभी हो रहा है के बच्चे हमें मिल नहीं रहे हैं, ऑनलाइन हम लोग जाते हैं बट बच्चे जो हैं वो वहां पर ऑनलाइन नहीं होते हैं, जो भी हमारे ऐप के थ्रू हम पढ़ा रहे हैं तो वो वहां पर ऑनलाइन नहीं होते, तो वहां पे एक बैरियर ये भी है कि वहां पे टीचिंग नहीं हो पाती है क्योंकि ये लर्नर ही नहीं होते हैं वहां पर, तो हम लोग टीच किसको करें, ये एक बैरियर आता है ना आप लोगों के सामने, मेरे सामने तो आता ही है कि भाई बच्चे आते ही नहीं है ऑनलाइन, बहुत सारे उनके रीजंस होते हैं, किसी के पास फोन नहीं है, किसी के पास डेटा नहीं है, किसी के पास कुछ मसला है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, देर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स बिहाइंड दिस। तो यहाँ पे लर्नर चाहिए, टीचर चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, जो पर्टिकुलर टॉपिक हम लोग पढ़ाने वाले हैं वो चाहिए। ओके, नेक्स्ट है इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट भी चाहिए, इन्वायरमेंट बनेगा तभी तो वो टीचर पढ़ाएगा, एंड देन स्टूडेंट डिसिप्लिन, डिसिप्लिन भी उतनी इम्पोर्टेंट है, अगर बच्चा ऑल द टाइम हमें डिस्टर्ब करता रहा टीचर को तो जो टीचर है वो टीच नहीं कर पाएगा, इसीलिए स्टूडेंट डिसिप्लिन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग में टीचर, लर्नर, सब्जेक्ट दैट इज टॉपिक, इन्वायरमेंट, स्टूडेंट डिसिप्लिन, ये सारी चीजें बेसिक हैं जो के टीचिंग के लिए चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा टीचिंग एड्स है, टीचिंग एड्स, अभी टीचिंग एड्स जो हम लोग, जैसे कि मैं अभी आप लोगों को सामने प्रेजेंट कर रही हूँ, एक टीचिंग एड के थ्रू ही मैं आप लोगों को जो भी लेक्चर दे रही हूँ वो कर रही हूँ ना, मेरी एक पीपीटी तैयार है उसमें मैंने कुछ ये इमेजेस डाले हैं, कुछ टेक्स्ट डाला है और फिर उसके थ्रू मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ताकि मैं अपनी टीचिंग जो भी मेरा लेक्चर है उसको इफेक्टिव बना सकूँ और आप लोग उसको उसके ऊपर जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर वे में हो सके, ना कि आप एक कंसेप्ट को लेकर वो होते रहे कि अरे ये मेरे को तो समझ में ही नहीं आया,
तो मैंने अपनी टीचिंग कुछ एड्स लिए हैं, उसके थ्रू मैं आपको क्या कर रही हूँ, लेक्चर दे रही हूँ, ताकि मैं अपने लेक्चर को इफेक्टिव वे में प्रेजेंट कर सकूँ और आप भी उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक पर आपकी हो सके। तो टीचिंग एड्स को क्या बोलते हैं, इज एनीथिंग यूज्ड बाय अ टीचर टू हेल्प टीच अ लेसन और मेक इट मोर इंटरेस्टिंग टू स्टूडेंट्स। कि कोई भी चीज ऐसी जो कि टीचर यूज करता है अपनी टीचिंग में, ताकि वो अपने लेसन को क्या कर सके, इज इंटरेस्टिंग बना सके फॉर द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए, लर्नर के लिए, वो अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बना सके, इंटरेस्टिंग बना सके, उसको क्या कहते हैं, टीचिंग एड्स कहते हैं। तो यहाँ पे मैम, बस जी इसमें TLM मॉडल्स भी आते ना मैम, सब सॉरी मॉडल मॉडल्स भी आ सकते ना मैम, जैसे अब मैं साइंस पढ़ा रही हूँ तो फिर भी वो नीते ना मैम तो बताने के लिए, ऐसा हार हाँ है प्लास्टिक के मिलते ना मैम, मतलब उसके मतलब जी, मॉडल कह सकते ना मैम उसकी जगह। तो यहाँ पर बहुत सारे टीचिंग एड्स हैं जो के विजुअल एड्स होते हैं। तो विजुअल एड्स में हम लोग देख सकते हैं कि ब्लैक बोर्ड होता है, रियालिया होता है, रियालिया को पिक्चर्स भी बोलते हैं, ऑडियो एड्स हैं लाइक कैसेट्स हैं, टेप्स हैं, सीडीज हैं, ऑडियो विजुअल एड्स हैं जिसमें वीडियो टेप्स हैं, एंड बहुत सारे और, इवन द टीचर्स आर ऑल्सो अ सोर्स ऑफ विजुअल एड्स। तो टीचर्स भी एक सोर्स हैं विजुअल एड्स के। तो यहाँ पे एक मैं पर्टिकुलर एक यहाँ पे मेंशन की हूँ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो आया है वो कब आया था, 1987 और 88 में, ये याद कर लीजिए आप लोग कि 1987-88 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको प्रेजेंट किया था ताकि टीचिंग इफेक्टिव हो सके। ओके तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत सारे टीचिंग एड्स की इमेजेस हैं। मैम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड मैन मोटिव क्या था मैम? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो ब्लैक यस बोर्ड वो ऑपरेशन है, तो उसको 1987 और 88 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रेजेंट किया था ताकि टीचिंग को इफेक्टिव बना सके टीचर। जो हम लोग ब्लैक बोर्ड को यूज करते हैं बच्चों को कोई भी कंसेप्ट समझाने के लिए यूज करते हैं, अपने चौक को, डस्टर्स को, ब्लैक बोर्ड पर, यू नो वे यस फुल बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके तो यहाँ पे बहुत सारे आप लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ब्लैक बोर्ड की इमेज भी बनी हुई है। नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। यहाँ पे कुछ डिसेबिलिटीज हैं। पहली है डिसकैल्कुलिया, तो लर्निंग डिसेबिलिटीज भी होती हैं। तो डिसकैल्कुलिया क्या है कि इसमें लर्निंग में, मैथ लर्निंग में हम लोग बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत बड़े बड़े मैथ्स जो है वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं, उनका कैलकुलेशन उनको प्रॉब्लम होती है, तो उसको क्या कहते हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपके बनते हैं टीचिंग और लर्निंग इवेल्युएशन में, के जो लर्निंग है मैथ्स में डिसेबिलिटी जिसको होती है उस टर्म को क्या कहते हैं, तो डिसकैल्कुलिया उसको बोलते हैं कि मैथ्स करने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, बच्चे जो हैं बहुत बड़े बड़े जो कैलकुलेशंस होते हैं वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं कि 9 - 7 इज इक्वल टू बच्चे को इजीली आ रहा है, बट 11 - 5 उसको डिफिकल्टी आती है कि 11 में से माइनस को किए, -5 किए तो कितना बचा। तो यहाँ पे मैथ्स में डिसेबिलिटी को क्या कहते हैं, डिसकैल्कुलिया। नेक्स्ट जो डिसेबिलिटी है वो क्या है, डायस्ग्राफिया, मीन्स उसको राइटिंग में वो होती है डिफिकल्टी होती है कि वो बहुत बार राइटिंग ठीक से नहीं कर पाता है, वो लेटर्स को उल्टा बनाता है। मेरी एक फ्रेंड थी वो डी को बी के जैसा बनाती थी, तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी, टीचर्स भी उसको सिखा सिखा कर परेशान थे, बट वो नहीं सीख पाई थी, वो डी को बी के जैसा बनाती थी। तो राइटिंग में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसको क्या कहते हैं, डायस्ग्राफिया कहते हैं। नेक्स्ट जो है डाइसलेक्सिया, डाइसलेक्सिया मीन्स लर्निंग डिसऑर्डर होता है, रीडिंग डिसेबिलिटी भी इसको बोलती हैं कि रीडिंग में डिसेबिलिटी होती है। आप लोग वो मूवी देखे होंगे तारे जमीन पर, तारे पे जमीन पे, यस मैम यस, तो उसमें उस बच्चे को यही सारी प्रॉब्लम्स आती है, वो नंबर्स को काउंट नहीं कर पाता है, लिख नहीं पाता है, उसको राइटिंग प्रॉब्लम होता है, वो उसके जो भी लिखा रहता है वो उसके सारे लेटर्स उसके आंखों के आगे नाचते रहते हैं, तो ये सारे उसके प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो ये तीन आपको डिसेबिलिटीज हैं, उसके नेम याद रखिए कौन सी डिसेबिलिटी को क्या कहते हैं। ओके नेक्स्ट है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन हम लोग करते हैं लास्ट में हमारे यूनिट में, हमारे हमारे यूनिट में या हमारे जो भी हैं
हमारे जो भी हैं लास्ट सेमेस्टर में हम लोग इसको यूज करते हैं, इवैल्यूएशन मेथड यूज करते हैं। तो इसमें मेजरमेंट होता है, असेसमेंट होता है एंड इवैल्यूएशन होता है। तो मेजरमेंट में हम लोग क्या करते हैं, टीचर्स चेक करता है इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, लर्नर की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को मेजरमेंट में चेक करता है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ इसके ऊपर भी आप लोग ध्यान दीजिए, इवैल्यूएशन पर भी क्वेश्चन बनते हैं कि टीचर कौन से उसमें इंडिविजुअल परफॉर्मेंस चेक करता है। तो मेजरमेंट में वो क्या करता है, लर्नर की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को चेक करता है। हम बच्चे को जैसे चेक करते हैं ना, वन बाय वन ओरल उनका लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, वट एवर वी टेक फ्रॉम देम, तो वो सारे मेजरमेंट आते हैं। और असेसमेंट आफ्टर टेकिंग मेजरमेंट देन हम उनका असेसमेंट करते हैं, उनको कंपेयर करते हैं कि ये इसकी लास्ट परफॉर्मेंस थी, उसका लास्ट का जो मार्क्स थी वो ये थी, अभी उसने ये पेपर दिया, अब इसकी मार्क्स ये हुई, अभी मुझे क्या करना चाहिए कि इसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो सके। तो या तो वो उसका खुद से ही उसका कंपेरिजन करते हैं, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स का हम लोग एक वो बनाते हैं ना, इसको ए मिला या ये क्लास में फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी इसका असेसमेंट होता है, उसका कंपेरिजन होता है, उसकी पहली परफॉर्मेंस के साथ उसका खुद के साथ भी होता है, लेकिन हम दूसरे बच्चों के साथ भी उसका कंपैरिजन करते हैं। तो असेसमेंट में ये होता है। इवैल्यूएशन में क्या करते हैं, हम उसको जज करते हैं, उसका जो भी रिजल्ट आता है कंपेयर करने के बाद उसको जज करते हैं और उसके इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं हम लोग। ओके, तो इवैल्यूएशन समझा। तो यहाँ पे इवैल्यूएशन में कुछ टाइप्स है, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन में हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स का जो भी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है, उसकी जो भी नॉलेज है, उसको देखते हैं और फिर उसकी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करते हैं। उसके बाद हम लोग उसके ऊपर उसको कुछ फॉर्म करते हैं। फिर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है कि डायग्नोस करते हैं, उसमें कॉज एंड उसकी रिमेडीज देखते हैं कि ये कॉज है तो इसकी रिमेडीज ये हो सकती है। एंड देन फिर उसमें लास्ट में समेटिव इवैल्यूएशन होता है कि समेटिव एकदम एंड में होता है, या तो हम एक लेक्चर के बाद या एक यूनिट कंप्लीट करने के बाद या एक सेमेस्टर होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, समेटिव इवैल्यूएशन करते हैं। तो यहाँ पे इवैल्यूएशन के कुछ टाइप्स भी हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। आई होप आई मेक यू क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अल्लाह गिव्स यू सक्सेस इन योर एग्जाम, एंड आई होप डेफिनेटली आप लोग उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, क्योंकि आप लोग रेगुलरली लेक्चर्स ले रहे हो, हर लेक्चर आप लोग अटेंड कर रहे हो, तो आप लोगों को उसमें आपको सक्सेस मिलेगी ही। क्योंकि अगर हम कुछ काम के लिए अगर ठान लेते हैं कि मुझे ये करना है, तो हमें फिर उस सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस। इंशाल्लाह। थैंक यू मैम। सिस्टम में जो टाइप्स है ना मैम, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है, इसके बाद में कुछ था मैम, मिस हो गया मेरे से। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक में हम लोग हाँ डायग्नोस करते हैं लर्नर को, हम लोग उसकी जो भी उसके प्रॉब्लम्स हैं, उसके कॉजेज हैं, उसको लेते हैं और उसके ऊपर रिमेडीज देते हैं, उसकी क्या रिमेडी हो सकती है, उसके ऊपर मैं क्या उसको दे सकती हूँ, हम लोग ये देखते हैं ना, टीचर जो है उसके ऊपर डायग्नोस करता है। तो यहाँ पे कॉज एंड रिमेडीज होती है। ओके ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। ओके थैंक यू। जमीन पर मैं आमिर खान जो है डायग्नोस करता है उस बच्चे को, उसकी परेशानी को जान। जी एग्जैक्टली सर, इवैल्यूएशन करने के लिए उन्हें उनके पेरेंट्स के घर तक चले जाता, पेरेंट्स से लेता, फिर उसके दोस्तों से लेता, पूरी फीडबैक लेके फिर उस पर वर्क करना शुरू करना। आवाज ठीक से नहीं आ रही है, क्या बोल रहे हैं? एक मिनट। मैम मे आई आस्क? जी मैडम, पेडागोजी और यूटोलॉजी क्या होता है? पेडागोजी तो जो हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं अपनी टीचिंग, ये इंडक्टिव जो मेथड होता है यार, फिर उसके थ्रू हम लोग जो पढ़ाते हैं उसको पेडागोजी बोलते हैं ना, जो अपनी टीचिंग के थ्रू हम लोग उनको जो भी लर्न करवाने की कोशिश करते हैं।
ओके मैडम, थैंक यू मैडम। मैम पेडागोजी आई थिंक हाउ टू टीच ये करता है, बताया जाता है कैसे पढ़ाना जी। पेडागोजी वही ना जो हम बच्चों को प्रैक्टिस करते हैं, टीचिंग करते हैं अपने जो भी सब्जेक्ट होते हैं पर्टिकुलरली उसके थ्रू। यस मैम जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं दैट इज व्हाट। यस मैम पढ़ाने का एक तरीका जो होता है वे जो होता है द वे ऑफ टीचिंग। जी जी तदरीसी तरीका ऐसा कुछ है मैम, वो तदरीसी तरीका है मैम जी, तदरीसी तरीका या आता मुझे उतनी उर्दू नहीं आती है, समझती नहीं उर्दू because I am teacher of English। क्या बोले आप बेटे? ताजेवी कौन मतलब लर्निंग प्रोसेस इसी तरीका। ओके ओके थैंक यू आपने मुझे टाइम दे दी, तदरीसी तरीका। ओके थैंक यू, इसको तदरीसी तरीका बोलते हैं मैम, तदरीसी जी तदरीसी। ओके ओके थैंक यू, थैंक यू मैम। ओके मैम मटेरियल सेंड कर देना सब ग्रुप को जी, जो भी पढ़ाया है अपने मटेरियल जो भी है वो ग्रुप पर सेंड कर देना। जी जी मैं अपने ग्रुप पर सेंड कर दूंगी लेक्चर, इसकी पीपीटी भी मैं पीडीएफ में सेंड कर दूंगी। ओके थैंक यू। क्लासेस बहुत अच्छी चल रही है, पूरे क्लासेस बहुत अच्छे हैं मैम, आपको भी बहुत अच्छा क्लियर से समझ में आया मैम, अब थोड़ी बहुत थोड़ी क्या अच्छी ज्यादा उम्मीद हो रही है क्वालीफाई हो जाते। जी जी डेफिनेटली इस बार हो जाओगे आप लोग, डेफिनेटली बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, इस बार आप लोग हो ही जाओगे, इतना हार्ड वर्क कर रहे हो ना आप लोग जी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैम मैं आज जी यस प्लीज रोहित। हाँ मैडम जब एक स्टूडेंट एक ऐसे लेवल में पहुंच जाता है जहां पे उसे टीचर की जरूरत नहीं है तो वो लेवल को क्या कहेंगे हम? जब वो बच्चे को उसकी जरूरत नहीं होती टीचर की, हाँ उसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म है या मैंने पढ़ा था। हाँ मैडम अभी जैसे कि आपने कहा कि पेडागोजी में हम छोटे बच्चे लोगों को पढ़ाते हैं तो वो स्टूडेंट टीचर के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड होता है। जी जी अगर हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो टीचर और स्टूडेंट का 50-50% कॉन्ट्रीब्यूशन होता हाँ, है हाँ। अगर हम थोड़ा सा आगे जाएंगे कि जैसे कि हम लोग स्टूडेंट है लेकिन वी आर परफेक्ट इन आवर सेल्फ, वी आर नॉट डिपेंडिंग ऑन टीचर। जी जी तो ऐसे एक उसको एक टर्मिनोलॉजी है। हाँ उसके लिए एक टर्मिनोलॉजी है, मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ ग्रुप के ऊपर। डेमोक्रेटिक टीचिंग बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? डेमोक्रेटिक टीचिंग। डेमोक्रेटिक कौन सी टीचिंग? डेमोक्रेटिक। ओके उसके ऊपर आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हो क्या वो टर्म को? मैडम मुझे तो दो याद आ रहे हैं, एक पेडागोजी होता है एक यूटोगोजी होता है समथिंग लाइक, और थर्ड वाला मुझे याद नहीं। थर्ड वाला वही मुझे भी याद नहीं आ रहा है कि वो टर्मिनोलॉजी है पर्टिकुलरली पेडागोजी है एंड एक नेक्स्ट वन इज यूटोगोजी भी है समथिंग लाइक। नेक्स्ट वन इज यूटोगोजी या सर थर्ड वन इज एंड्रोगोजी फॉर एडल्ट। ओके वी स्टार्ट हियर फॉर द क्वेश्चन आंसर सेशन। यस मैम प्लीज। हेलो मैम जी, जैसे टीचिंग को जो है मैम थ्री लेवल में बांटा गया है ना, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। जी वही जो भाई जी पूछ रहे हैं उसमें जो है रिफ्लेक्टिव लेवल आएगा ना मैम, कि अपर थॉटफुल लेवल में जैसे उसमें जो है उसको सिर्फ एक गाइड की जरूरत रहती है, टीचर की जरूरत नहीं होती है, उतनी जरूरत नहीं होती है, मतलब जैसे पीएचडी लेवल वगैरह आ जाता है। हाँ उसमें वो होती नहीं है लेकिन उसके लिए पर्टिकुलर एक टर्म है ह्यूटोलॉजी, शायद इसमें होती है ह्यूटोलॉजी, एक आई थिंक वही है। ये भी होता नहीं ना ह्यूरिस्टिक लर्निंग, ह्यूटोगोजी आई थिंक होता है। कौन पूछ रहा था ये क्वेश्चन? यही है क्या ह्यूटोगोजी?
यही टर्म है क्या? हाँ मैडम, यस मैडम, यूटागोजी ना, पेडागोजी होता है। और यस मैडम, मैम इंट्रोस्पेक्टिव भी बोलती हूँ। मैडम कॉग्निटिव लर्निंग क्या होता है? कॉग्निटिविज्म, कॉग्निटिव लर्निंग में वो कॉग्निटिव लर्निंग जो होती है उसमें उसमें जो है माइंड का फंक्शन होता है जो कि लॉजिक में होता है। जैसे आगे आप लोगों का जो टीचिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड पर जो क्वेश्चंस आएंगे तो वो लॉजिकल सेंस पर बनते हैं, आंसर देना होते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन इसके ऊपर पूछते नहीं है, मींस 5 क्वेश्चंस रहते ही है लेकिन उसके टू द पॉइंट नहीं रहता है, इसमें लॉजिकल सेंस लगाना रहता है हमें। तो इसीलिए इसको हम लोग मेंटल फंक्शन के उसमें बोल सकते हैं कि कॉग्निटिव वो होता है। मैम प्रॉब्लम सॉल्विंग में आएगा ना ये? यस, प्रॉब्लम सॉल्विंग में वी कैन से कि हम लोग अपनी कुछ लॉजिक लगाकर उसको करते हैं। क्रिएटिविटी, मैम वन मोर थिंग, डोमेन ऑफ टीचिंग में आएगा ना कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। यस हाँ, उसमें आ सकता है। मैम वन मोर क्वेश्चन इज सर जी, मैम अभी जैसे आपने कहा कि स्टूडेंट्स में जो डिसेबिलिटीज होती हैं पढ़ाई करते समय, जी डिसेबिलिटीज, तो हाउ अ स्टूडेंट कैन ओवरकम दैट, और टीचर उसके ऊपर क्या ओवरकम कैसे कर पाएंगे? ये तो अभी मैं किसी को फेस नहीं किया, मैंने अपनी एक फ्रेंड का रेफरेंस दिया कि उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, वो डी को बी के जैसा बनाती थी। तो हमारे जो टीचर्स थे उसको बहुत मीन्स उसको अलग अलग प्रैक्टिसेस करवाते थे बट उसकी वो चेंज ही नहीं हुई। तो मैं ये अभी नहीं बता सकती कि उससे ओवरकम कैसे हो सके, तो इसके बारे में मुझे पढ़ना पड़ेगा एंड उसके ऊपर कुछ रिसर्च करनी पड़ेगी। देन आई विल टेल यू इफ इन फ्यूचर वी विल मीट, कि वो मैं बता नहीं पाऊंगी कि कैसे उससे ओवरकम हो सकते हैं। कि नहीं, क्लास में ऐसा अगर कोई स्पेशल चाइल्ड होगा तो उसके उसको भी डील करने के लिए अलग कुछ टीचिंग वगैरह है क्या टीचर्स के? हाँ, कुछ टीचिंग होगी, ऐसे स्पेशल जो चिल्ड्रन होते हैं उनके क्लासेस होती होगी कि उनसे वो ओवरकम हो सके। जैसे कि वो तारे जमीन पर मूवी को दिखाया गया था कि वो किस तरीके से उसकी वो टीच करता है, जो मेन रोल जो है हीरो है उसका, जो उसको सिखाता है सारी चीजों से, वो उसको अलग अलग वे में बताता है लाइक बहुत ज्यादा प्यार से और अंडरस्टैंडिंग करके उसको जो समझाता है। तो ऐसे ही स्टडी गाइस करना चाहिए। सो वी विल स्टॉप हियर, द सेशन हैज सो लेंथी, सो वी विल स्टॉप द क्वेश्चन आंसर सेशन हियर। सर थैंक यू, ग्रुप का लिंक अगर शेयर कर दिए उस पे तो। यस यस, वी विल शेयर द लिंक्स इन व्हाट्सएप ग्रुप and all the materials will be shared in that WhatsApp group and our college YouTube channel also.